हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी के तरफ से फिर से एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ चुका है, इम्पोर्टेंट नोटिस आ चुका है। दोस्तों, ये जो नोटिस है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑफलाइन एग्जाम फॉर जुलाई सेशन, याद रखना दोस्तों, ये जुलाई सेशन के स्टूडेंट का है और ये सीबीएसई पैटर्न के बच्चों का है, ईयर पैटर्न के बच्चों का नहीं है। जो भी एग्ज़ाम डेट आपको बताया जा रहा है कि आपका ये एग्ज़ाम कौन से तारीख से चालू होने वाला है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि पहला दिया हुआ है TY BCOM सेमिस्टर अपना 6 का दिया हुआ है। फ्रेशर स्टूडेंट की बात करो दोस्तों, मैं फ्रेशर और रिपीटर दोनों बच्चों के बारे में बताने वाला हूँ, दोनों स्टूडेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इनका जो एग्जाम चालू होने वाला है दोस्तों, ये 1 जुलाई से चालू होने वाला है। नियर बाय 1 मंथ है आप लोगों के पास आपके एग्जाम के लिए। TY BSC IT सेमिस्टर 6 फ्रेशर स्टूडेंट का भी एग्जाम जो होने वाला है वो 6 जून से चालू होने वाला है। TY BA सेमिस्टर 6 फ्रेशर स्टूडेंट का एग्जाम दोस्तों 9 जून से चालू होने वाला है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में और एक बात आ रहा होगा कि सर, आप जो ये डेट बता रहे हो, जो कमेंसमेंट डेट बता रहे हो, यही डेट पे एग्जाम चालू होगा क्या? दोस्तों, ये डेट मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है, मैंने नहीं डिक्लेयर किया हुआ है। दोस्तों, कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी कुछ इशू होती है, तो मुंबई यूनिवर्सिटी ये इस डेट को चेंज कर सकती है। तो ये डेट पे यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये डेट पे एग्जाम लिया ही जाएगा, कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ भी होता है तो उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी नोटिस रिलीज करेगी और वो नोटिस मैं आपको इस चैनल पे दे दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके वीडियो, मतलब ये वीडियो आपके मोबाइल तक या आपके कंप्यूटर तक मिलता रहे आपको दोस्तों। देन उसके बाद अगर हम चले हैं तो हम देख सकते हैं MSc के बच्चों का एग्ज़ाम है सेमिस्टर 2 का, मैथमेटिक्स IT कंप्यूटर साइंस, फ्रेशर और रिपीटर दोनों का एग्ज़ाम दोस्तों 6 जून से होने वाला है। फिर हम बात करते हैं 4 सेमिस्टर MSc का, मैथमेटिक्स IT फ्रेशर रिपीटर, इनका एग्ज़ाम 7 जून से होने वाला है। देन उसके बाद 4 सेम के दोस्तों, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे फ्रेशर, इधर रिपीटर बच्चे नहीं, फ्रेशर बच्चों का एग्ज़ाम 7 जून से होने वाला है। अब हम बात करते हैं MA स्टूडेंट की, जो सेमिस्टर 2 का है। आपने जो भी लैंग्वेज लिया है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इको, पॉलिटिकल साइंस, फ्रेशर और रिपीटर दोनों बच्चों का एग्ज़ाम दोस्तों 6 जून से है। इधर भी MA है एजुकेशन, तो दोस्तों सेमिस्टर इधर देखते चलना, मैं सेमिस्टर आपको दिखा रहा हूँ। सेकेंड सेमिस्टर है एजुकेशन, फ्रेशर और रिपीटर 6 जून से एग्ज़ाम है। MA ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है, फ्रेशर और रिपीटर, इनका एग्ज़ाम 6 जून से ही है। और पॉलिटिकल के जो बच्चे हैं फ्रेशर, MA सेम 2 के, उनका भी 6 जून से है। और MA पब्लिक रिलेशन फ्रेशर के जो बच्चे हैं उनका भी 6 जून से है। MA कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के जो बच्चे हैं फ्रेशर, उनका भी एग्ज़ाम 6 जून से। अगर दोस्तों एक नोटिस करें तो सेमिस्टर 2 का MA के जो बच्चे हैं इनका एग्ज़ाम दोस्तों 6 जून से चालू होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेम 4 की, तो MA अगर किसी ने लैंग्वेज लिया हुआ है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इको, पॉलिटिकल साइंस, फ्रेशर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उनका 7 जून से एग्ज़ाम है। MA एजुकेशन और ज्योग्राफी फ्रेशर स्टूडेंट सेम 4 की बात करो, इनका 7 है। देखिए, सेम 2 का 6 तारीख से था, तो सेम 4 का दोस्तों आप लोगों का 7 जून से एग्ज़ाम है। अब बात करते हो जो काफ़ी बच्चे इसका वेट करते हैं, MCOM पार्ट 2 के जो बच्चे हैं फ्रेशर और रिपीटर दोनों बच्चों का एग्ज़ाम 22 जून से चालू है। और सेम 4 फ्रेशर स्टूडेंट, इधर रिपीटर स्टूडेंट नहीं है, इनका एग्ज़ाम 23 जून से है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रुकिए अभी जाइए मत, आपको और एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ बातें कि दोस्तों, जो ये आपका एग्ज़ाम है ये CBSE पैटर्न के बच्चों का है, जुलाई सेशन का है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है क्या, तो नहीं दोस्तों, ये ऑफलाइन मोड है। देखिए, इधर लिखा हुआ है एज़ पर मुंबई यूनिवर्सिटी सर्कुलर। अब आपके दिमाग में आएगा सर, टाइम टेबल कब रिलीज़ होगा? दोस्तों, खुद यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि टाइम टेबल जैसा भी होता है जल्द से जल्द मुंबई यूनिवर्सिटी के इस वेबसाइट पे आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, हॉल टिकट कब मिलेगा? तो हॉल टिकट यूनिवर्सिटी ने देखिए खुद मेंशन किया हुआ है कि आपका जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है जिससे आपने एडमिशन के समय यूज़ किया था, उस ही लॉगिन आईडी पासवर्ड को ओपन करके आपके एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले ही हॉल टिकट आपके पोर्टल पे आ जाता है, आप वहाँ से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। तो
तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों आप लोगों के लिए। जो भी अपडेट आएगा दोस्तों आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।